हेलो मेरी एवेंजर्स आर्मी, मेरा चैनल अमन पठन विद कथन, जिस पे मैं मोटिवेशनल वीडियोस के साथ साथ 6, 7, 8, 9, 10 के मैं क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें मैं साइंस, मैथ और इंग्लिश के क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जब भी मैं अभी कभी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप पे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण हल करना। कक्षा 10 का चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, जिसका ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा, यूट्यूब इतिहास में किसी ने भी नहीं बताया होगा इस तरीके से। मैं आपको बताता हूँ कि तीन स्टेप सिर्फ आपको याद रखने हैं, सिर्फ तीन स्टेप, जिसको मैंने ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, और इन सारे स्टेप को याद कर लीजिए। CBSE वाले भी इससे रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन किया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करके और एक एग्जाम्पल सॉल्व करके आपके पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा, उसके बाद से आपको पूर्ण वर्ग बनाने में कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टेप फर्स्ट पे आते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म इन राइट एंड एक्स टर्म इन लेफ्ट। CBSE वाले जो भी कॉन्स्टेंट वाले टर्म्स होंगे, अचर पद कॉन्स्टेंट टर्म जो भी होंगे, उनको हम हमेशा कहेंगे अपने राइट में रखेंगे, और जो भी एक्स वाले टर्म होंगे उनको हमेशा अपने लेफ्ट में रखेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड इन बोथ साइड्स, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसका हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स में। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर दोनों पक्षों में, मतलब बोथ साइड्स में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ध्यान रखना है, अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने इस प्रॉब्लम में वो अब देखते हैं सॉल्यूशन में। अब जब कर लेंगे तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। तो आते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन है 3x² - 2x - 21 = 0। अब हम यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारा काम होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप कहता क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म इन राइट एंड एक्स टर्म इन लेफ्ट। तो एक्स टर्म वाले जो भी हैं इनको हम रखेंगे लेफ्ट में, और जो भी हमारे कांस्टेंट होंगे उनको हम रखेंगे राइट में। अब ये -21 है, उधर जाएगा तो वो 21 हो जाएगा। देखो ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक्स वाले टर्म को रखा और कांस्टेंट को किधर रखा, राइट वाले टर्म में लिखा। पहला स्टेप मेरा हो गया पूरा। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज डिवाइडेड इन बोथ साइड्स, मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा, ये एक्स स्क्वायर है इसके साथ जिस भी चीज़ का गुणा होगा उस गुणा जो भी गुणांक होगा उसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर। अब भाग देंगे तो इसका गुणांक क्या है, 3 है। अब 3 क्या करेंगे, अब इस 3 को सब में बराबर बराबर बांट देंगे। सब में बराबर बराबर मैंने क्या किया, बांट दिया 21/3। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल और इस 3 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब बचेगा क्या मेरे पास, x² - 2x = 7 हो गया। 7 दूसरा स्टेप भी मैंने कर लिया क्लियर, 2x / 3। अब थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। अपना थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप ये कहता है कि एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब इस एक्स का गुणांक क्या है, 2/3 है। अब 2/3 का आधा क्या होगा, 2/3 का आधा मतलब क्या हुआ, 2/3 मतलब किसी भी संख्या का आधा। जैसे मैं बोलूँ कि 1 का आधा क्या होता है, तो 1 × 1/2। मैं पूछूं 5 का आधा क्या होता है, तो 5 × 1/2। 6 का आधा क्या होता है, 6 × 1/2। वैसे ही 2/3 का अगर आधा मैं पूछूं तो 2/3 × 1/2। तो मैं क्या करूंगा, x² - 2/3 × x। तो x का गुणांक 2/3 है, तो क्या करेंगे हम दोनों पक्षों में 2/3 × 1/2 को क्या करेंगे, स्क्वायर को जोड़ देंगे। और यही काम इसमें भी करेंगे, इसमें भी हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे 2/3 × 1/2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ जोड़ दिया। अब इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे, इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे। x² - 2/3 × x प्लस यहाँ पे मेरा बचा 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर = 7 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक।
अब देखते हैं, ये बन गया मेरा ए स्क्वायर और ये बन गया मेरा बी स्क्वायर, और इसको बनाना है 2ab। तो 2ab बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 into, ए की जगह पे क्या है एक्स और बी की जगह पे क्या है 1/3, हो गया। 2/3 को मैंने क्या किया, तोड़ लिया 2 into x into 1/3 में, इक्वल्स टू, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर ये ए है तो इसको ए मान लो, और ये बी है तो बी मान लो, और उसके आगे 2 से गुणा कर दो, वो अपने आप ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। 7 प्लस, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इतना सबको समझ में आया। अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फार्मूला आता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ए की जगह पर क्या है एक्स और माइनस बी की जगह पर क्या है 1/3, तो ये टोटल हो जाएगा उसका स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सबको पता है 9 7 जा 63 प्लस 1/9। अब आते हैं एक्स माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 63 में 1 जोड़ देंगे कितना है 64/9। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका, यहाँ तक क्लियर हुआ, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रोक के उसके बाद आगे बढ़ते हैं। x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64/9। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x-1/3 इक्वल टू, ये स्क्वायर जब हटेगा ये हो जाएगा तुम्हारा रूट में 64/9, 64 रूट में है तो उस वो हो जाएगा 8 और 9 का हो जाएगा 3, और हमेशा जब भी रूट निकालते हैं उसके दो आंसर आते हैं प्लस और माइनस। x-1/3 एक बार हम क्या करेंगे पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव लेने पर x-1/3 = 8/3, तो x = 8/3 और ये -1/3 उधर जाएगा तो +1/3। तो x इक्वल टू, जब आपस में हर बराबर होते हैं तो क्या करते हैं ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ देते हैं, और 8 एक और एक कितना हो जाएगा 9, x = 3, एक मूल मेरा निकल गया पॉजिटिव लेने पे। अभी दूसरा मूल निकालना है, तो दूसरा मूल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा इस बार निगेटिव, तो निगेटिव लेने पर ये माइनस ही रहेगा -1/3, और ये जो होगा ये -8/3 हो जाएगा। तो x = -8/3 और ये -1/3 जब उधर जाएगा तो +1/3, और जब हर बराबर है तो ऊपर आराम से क्या करेंगे ऊपर जोड़ दें, ये हो जाएगा 3। x = अब -8 में से अगर एक को घटाएंगे, मैंने मान लिया कि मेरे पास मैंने 8 रुपये किसी से उधार लिए और मैं 1 रुपये किसी को चुका रहा हूँ, तो मेरे पास कितना, मेरे पास तब भी कितना कर्ज रह जाएगा 7 का, मतलब -7/3। तो ये बन गया मेरा दूसरा मूल मिल गया। तो पूर्ण वर्ग से मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या होगा कि जितने भी अचर पद हैं उस अचर पद को हम क्या करेंगे राइट साइड में रखेंगे, और जितने भी एक्स वाले पद हैं उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। दूसरा स्टेप याद रखो, दूसरे स्टेप में क्या करना है एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर। उसके बाद से तीसरा स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, तीसरा स्टेप मैं लिखना भूल गया, आप लोग लिख लेंगे तीसरा स्टेप कि एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ये हम यहाँ पे आप लोग डाल लीजिएगा, मैं भूल गया हूँ, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दैट्स इट। अब आपको मुझे नहीं लगता कि पूर्ण वर्ग बनाना इतना कठिन लगता होगा, एक बार प्रैक्टिस करिए और स्टेप याद रखिए, पूर्ण वर्ग बनाना बहुत ही आसान है। थैंक यू, जल्दी मारो।